अगर आपका सवाल है कि BHMS डॉक्टर की सैलरी क्या होती है तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक डॉक्टर की सैलरी के बारे में, यानी कि इंडिया में BHMS कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक डॉक्टर की सैलरी क्या होती है, स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, प्राइवेट सेक्टर में सैलरी क्या होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, फिर बात करते हैं सैलरी की। BHMS, बात करें फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये एक अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है जो कि 5.5 साल यानी कि 5.5 ईयर्स में कंप्लीट होता है, जिसमें से 4.5 ईयर्स एकेडमिक एजुकेशन और 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी होती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप होम्योपैथिक में करियर बना सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है। 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि PCB एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि PCB एंड इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, 12th में मिनिमम आपके 52-55% मार्क्स होने चाहिए। परसेंटेज डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर और कॉलेज पर कि आप कौन से कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। देखिए एडमिशन प्रोसेस मैक्सिमम कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम पर बेस्ड होता है, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा इस कोर्स में, और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में आपको मेरिट के आधार पर एडमिशन मिल सकता है, बट मैक्सिमम कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही एडमिशन मिलता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, ये तो रही कोर्स की बात। बात करते हैं सैलरी के बारे में, यानी कि BHMS कोर्स कंप्लीट करने के बाद एज अ फ्रेशर आपकी सैलरी क्या हो सकती है। ठीक है, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है गवर्नमेंट सेक्टर में वो अप्रॉक्स 25-35,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है, यानी कि 25-35,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है गवर्नमेंट सेक्टर में। ये एक स्टार्टिंग सैलरी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ आपकी जो सैलरी है वो बढ़ सकती है। सैलरी डिपेंड करती है आपके एरिया पर एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन पर कि आप किस हॉस्पिटल में या फिर किस कंपनी में या फिर किस एरिया में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, यानी कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलता है यानी कि आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर कंपनी में जॉब मिलता है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है। तो प्राइवेट सेक्टर में जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो अप्रॉक्स 20,000 रुपीज़ पर मंथ की हो सकती है, यानी कि 20,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है प्राइवेट सेक्टर में। सैलरी डिपेंड करती है आपके हॉस्पिटल या फिर कंपनी पर, बिकॉज सैलरी इज़ वेरी फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, कंपनी टू कंपनी एंड एरिया टू एरिया, स्टेट टू स्टेट। इस चीज़ का ध्यान रखें, जो सैलरी है वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग होती है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ये मत कहिएगा कि हमारे इस हॉस्पिटल में सैलरी 15,000 है और उसमें 20,000 है, उसमें 60,000 है। ठीक है, सैलरी जो है वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद सैलरी जो है वो आपकी और ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, तो सैलरी इन चीज़ों पर डिपेंड करती है जैसा कि हमने आपको बताया है। और ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सैलरी अड्डा को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए एंड ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे आप तक सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सभी वीडियोज देख पाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए और ज़बरदस्त वीडियो में।